साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं ओएमएस न्यूज। कांग्रेस पार्टी की नींव बेशक अब कमजोर हो गई हो, लेकिन पार्टी में रह चुके कई पूर्व वरिष्ठ नेताओं ने आज भी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में अपनी पहचान कायम कर रखी है और उनकी बदौलत आज भी कांग्रेस विपक्ष के तौर पर देश में अपनी भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, जिस पार्टी की नींव को आज ही के दिन 1885 में एओ ह्यूम ने रखा था। लेकिन कांग्रेस के इतिहास के आगे कांग्रेस की वर्तमान हालत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन यह खबर बहुत चौंका देने वाली है कि कांग्रेस के इतने अहम दिवस पर राहुल गांधी कल ही विदेश निकल गए और सोनिया गांधी भी समारोह से दूर रही। ऐसे में पार्टी के इतने अहम दिवस पर पार्टी के दो चेहरे गायब रहे। हालांकि गांधी परिवार से पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस समारोह में शामिल हुई। आमतौर पर ध्वजारोहण पार्टी का अध्यक्ष करता है, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की गैर मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने ध्वजारोहण किया, लेकिन सोनिया गांधी मौजूद नहीं थी। अब ऐसे में सवालों की कतार से पहले ही शातिर दिमाग चल पड़ा और सोनिया गांधी ने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शुभकामनाएं वाला एक वीडियो जारी कर दिया और इसमें भी केंद्र सरकार को निशाना बनाया। अब एक काफी सोचने वाली बात है और वो ये है कि कांग्रेस के इतने अहम दिवस पर एक तो गांधी परिवार के दो चेहरे ही गायब रहे और वीडियो जारी किया भी तो बिना किसी खेद के, यहाँ भी केंद्र सरकार की ही खामियों का जिक्र होने लगा। कम से कम कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर तो प्रपंच साधना छोड़ देती सोनिया गांधी। पार्टी का प्रदर्शन दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। हर राज्य में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। पार्टी का आधार कमजोर होता जा रहा है। लेकिन इन सब कमियों को सुधारने के बजाय पहले तो सोनिया राहुल खुद गायब रहते हैं और फिर मौजूदा केंद्र सरकार पर ही सवालों की कतार लगाए बैठे हैं। कुछ सवाल अगर सोनिया गांधी ने खुद से पूछने शुरू किए होते तो कांग्रेस की आज ये हालत नहीं होती। लेकिन फिर भी कांग्रेस की 136वें स्थापना दिवस पर आशा यही है कि सोनिया गांधी पुत्र मुंह से बाहर आकर पार्टी की कमान ऐसे हाथों में दे जो इसका हकदार हो। हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही खबरों की पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।